हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस वर्मा। तो फ्रेंड्स, क्या आपके पास भी चावल बच गए हैं? अगर बच गए हैं तो भी ये रेसिपी आपके लिए, अगर नहीं बचे हैं तो आप भी मेरी तरह गरम चावल से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गरम चावल ये बना लिए हैं जो कि गीले नहीं हैं। उसके बाद मैंने कढ़ाई में सरसों तेल लिया। तेल गरम होने के बाद उसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल दिया। जीरा फ्राई हो चुका है, चटक चुका है। उसमें मैंने एक कटी हुई हरी मिर्च डाल ली। क्योंकि बच्चों के लिए बनानी थी इसलिए मैंने एक ही हरी मिर्च डाली। आप अपने स्वाद के अनुसार अगर ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो इसमें हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ दो प्याज इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसे हम भून लेंगे थोड़ा सा। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डालेंगे चावल के अकॉर्डिंग ही नमक। मैंने एक चम्मच नमक इसमें डाल लिया है और डालने के बाद इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। जब प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए तो उसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। मैंने इसमें एक टमाटर डाला है। अगर टमाटर खाना आपको अच्छा लगता है तो आप दो भी डाल सकते हैं। यह चावल को थोड़ा सा खट्टा बना देता है इसलिए चावल का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। टमाटर को ऐसे चलाते हुए थोड़ी देर हम भून लेंगे। So why the hell am I to blame? I never underestimate the impact. इसमें अब डालेंगे हम छिले हुए हरे मटर। मटर को हम डाल लेंगे और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें पानी का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि यह मटर ऑलरेडी सॉफ्ट है और यह तेल में ही भुन जाएंगे। दो से तीन मिनट के लिए हम मटर को भून लेंगे। अगर आप चाहें तो मटर को बॉयल करके भी रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसे समय समय पर यूज कर सकते हैं। मैंने इसका यूज डायरेक्ट ऐसे ही किया है। दो से तीन मिनट के लिए ये मटर को भून लेंगे और ये मटर बिल्कुल गल जाएंगे। मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। जब मटर सॉफ्ट हो जाए तो उसमें कटे हुए हम पनीर डाल देंगे। पनीर को हमने क्यूब साइज में काट लिया है। सारी पनीर डालने के बाद इसमें हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। पनीर को फ्राई बिल्कुल भी ना करें क्योंकि चावल फ्राई में इस तरह पनीर डालने से चावल का स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसे हम अलट पलट करके दो से तीन मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। इसे हल्के हाथों से ही चलाएं, नहीं तो पनीर के टुकड़े टूट जाएंगे। और सबसे लास्ट में मैंने डाला इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी पहले ही डालने से कढ़ाई में चिपकने लगती है। हल्दी डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिलाते हुए चला लेंगे और फिर से इसे भून लेंगे। पनीर पूरी तरह से भून चुके हैं जितना मुझे चाहिए था। पनीर, मटर, प्याज और टमाटर अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसमें नमक हल्दी डाल के भी मैंने पूरी तरह से इसमें तैयार कर लिया है और बस इसमें चावल डाल के और चलाने की देरी है।
हमारा चावल फ्राई बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैंने पके हुए चावल इसमें डाल दिए हैं और अलट पलट करके अच्छी तरह से मिला लिया है। यह मिलाने के बाद बहुत ही अच्छे से कलर में आ जाएगा। इसे पूरी तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। चावल को मैंने पूरी अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें मैंने डाला है कटा हुआ हरा धनिया। कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद इसे हम फिर से एक बार अच्छी तरह से अलट पलट कर चला लेंगे। अब ये हमारा चावल फ्राई बिल्कुल बन करके तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी चावल फ्राई बन करके तैयार है।